नमस्कार दोस्तों, अभी मैं अंदर से बताऊंगा अपना स्टूडियो। हमारे स्टूडियो का नाम है शिवम स्टूडियो बागोड़ा। ये सभी पूरी एसेसरीज है स्टूडियो की, जो भी है, जैसे कि फ्लैश लाइट है, एलईडी है, हेलोजन है, मोनोपेड है, ट्राईपेड है, कैमरा की और जो भी वीडियो और फोटोग्राफी के अंदर जो एसेसरी काम आती है वो है यहाँ पर। और यहाँ पर है ये लैपटॉप, ये लैपटॉप तो है आसूस का भाई साहब, और ये दो है एचपी के लैपटॉप, और एक पीछे की तरफ है ये पीसी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से। और ये है निकॉन का 7000, ये फ़ोटो कैमरा है, अटैकिंग मोड में ही रहता है हमेशा, क्योंकि कोई भी फ़ोटो खींचना हो तो इस पर फ्लैश व्लैश लगाया हुआ है, ये डायरेक्ट खींच सकते हैं। और यहाँ पे ये बताता हूँ, ये है वीडियो कैमरा, ये है, अभी थोड़ा तेज़ कर लेता हूँ, आइए सो बढ़ा देता हूँ। ये है पैनासोनिक का कैमरा, ये वीडियो कैमरा है AC90, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे भाई साहब इसकी बहुत वैल्यू है, ट्रेंड में चल रहा है। और भी नए नए कैमरे तो है, और जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये है उसका बैग, वीडियो बना रहा हूँ वो है कैनन का 80D कैमरा, जिससे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। और ये है ये कैमरा, ये भी 7000 है। एक और एक 7000 ये रहा, और एक इस बैग में है, और एक पास में छोटा सा बैग है, इसमें भी एक कैमरा है। ये है भाई साहब निकॉन का छोटा सा कैमरा है, छोटी सी लेंस है इसकी। ये है D3500 निकॉन का, शानदार मॉडल है ये भी। और भी एक कैमरा है जो वहाँ पे पड़ा है, मैं आपको बताता हूँ अभी। एक कैमरा यहाँ पे पड़ा है, ये रहा। इसके अंदर जो कैमरा है वो है D3500, ये है, ये भी निकॉन का है, फोटो कैमरा है, इसमें वीडियो नहीं होते हैं, वैसे इमरजेंसी के अंदर कर ले तो कोई बात नहीं। इसकी और इसकी जूम देखिए, सेम एक जैसी है। ये है निकॉन का D7000, और ये है D3200, और ये है 3500, और एक उसमें पड़ा है वो भी 7000 है, मतलब इसके जैसा है। और इसके अंदर वीडियो कैमरा AC90, और जिससे मैं शूट कर रहा हूँ ना वो है कैनन का 80D, ये इसका कैप है। अभी मैं मेरी तरफ करता हूँ, यहाँ बड़ा सा मिरर लगा हुआ है, उस मिरर के अंदर आप देख रहे हो मुझे। ये है अपने स्टूडियो का कार्ड, शिवम स्टूडियो बागोड़ा, अपने बड़े भाई दौलत सिंह वही हैंडल करते हैं पूरे स्टूडियो को। और ये है मेरा फ़ोन सैमसंग का A7, और ये देखिए ये क्या चीज़ है, आपको पता है, ये है हार्ड डिस्क, क्योंकि इन लैपटॉप के अंदर तो ये 500 GB का और ऐसा ही होता है इनका स्टोरेज, लेकिन ये है जैसे कि ये 4 TB की है, 1 TB के अंदर 1000 GB होता है, तो मतलब ये 4 TB की है, यानी कि 4000 GB डाटा इसके अंदर स्टोरेज होता है। और एक है ये है 2 TB की, इसके अंदर 2000 GB डाटा स्टोरेज होता है, क्योंकि जो कैमरों की शूटिंग होती है कैमराज की, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो साइज़ भी बहुत बड़ी होती है उनकी, तो उनके स्टोरेज के लिए ये सारी चीज़ हैं। और यहाँ पर ये जो मोमेंटो है वो हमें स्कूल में, खेल में, उन चीज़ों में मिले हुए हैं, जैसे कि ये क्रिकेट के अंदर है, ये वॉलीबॉल में मिला था, ये मुझे 10th में मिला था। और यहाँ पर भी देखिए, और ये जो है ना, ये 3rd पोजीशन पे, जब मैं स्टेट पे क्रिकेट खेला था एक बार, अपने जालोर ज़िले का प्रतिनिधित्व किया था, उस दौरान मिला था मुझे ये,
ये सारी चीज़ें खेल कूद और स्कूल की है। यहाँ पीछे की तरफ बड़ा मिरर है, उस मिरर के अंदर भी अभी दिखाता हूँ मैं किस कैमरा से शूटिंग कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो कैमरा है ये कैनन का है 80D, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये सामने मिरर है, उस मिरर से अपनी एक तरीके से सेल्फी है। देखिए, और यहाँ पे श्री शांतिनाथ जी महाराज की तस्वीर है बड़ी सी, शांतिनाथ जी महाराज के भक्त हैं तो उनकी तस्वीर रखते हैं। मैंने वीडियो भी बनाया था सिरे मंदिर का। मुझे तो सबसे अच्छा कैमरा छोटा सा, ये बहुत खूबसूरत कैमरा है। देखिए आप, कितनी छोटी सी इसकी लेंस है और बिल्कुल छोटा मॉडल है, और फोटोग्राफी भी इसकी शानदार होती है। ये तो थोड़े बड़े हैं, ये छोटा ठीक है, एकदम ब्यूटीफुल कैमरा है। और हाँ, यहाँ पे एक ये है हैंडी, इसके अंदर आप वीडियो भी कर सकते हो। देखिए, मैं अभी खोल के बताता हूँ इसको। ये देखिए, यहाँ से आप ऐसे हाथ में डाल करके वीडियो कर सकते हो। छोटी सी है हैंडी, सोनी की है। अब तो वैसे इनकी कोई डिमांड नहीं है, नहीं इनको यूज़ करते हैं, ऐसे पड़ी है, इसी के अंदर पड़ी रहती है ये एनी टाइम, इसको कोई भी छेड़ता नहीं है इसको। अब देखिए, मैं जिससे वीडियो बना रहा हूँ वो कैमरा है DSLR, और ये कैनन का कैमरा है 80D, कैनन 80D, बहुत शानदार कैमरा है। इससे हम वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं और फ़ोटो भी खींच सकते हैं। अब देखिए, फ़ोटो कैमरा है ना, उसके जैसा कैमरा है। और ये है डिस्प्ले इसकी, आप डिस्प्ले को अंदर और बाहर कैसे भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो, सब चीज़ इसमें दी गई है। बहुत न्यू मॉडल है ये भी, और माइक लगाया हुआ है, ये रहा माइक। अब जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको। देख रहे हो आप, मैं बोल रहा हूँ वो भी आप देख रहे होंगे। आपको कोई भी शादी, फंक्शन, पार्टी, कोई भी चीज़ है उसका, अगर आपको वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करवानी है तो आप ऑर्डर देख सकते हो। कोई भी बड़ी शादी, जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारे तो 4-5 कैमरा चाहिए, तो भी साथ में मिल जाते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आप चाहते हो भी एक ही शादी के अंदर 5 ड्रोन चाहिए हमारे को एक साथ, तो भी मिल जाएंगे भाई साहब, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपका ऑर्डर होना चाहिए। पैसे लगेंगे ये तो बात फिक्स है, कि आप एक ड्रोन की जगह 5 ड्रोन मंगवाना चाहते हो तो भाई साहब पैसे भी उसके हिसाब से लगेंगे। और आप कहते हो कि नहीं, देखिए नॉर्मली शादी के अंदर एक तो फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर, दो जने ही जाते हैं, और तीसरा कोई ड्रोन एडवांस करता है, मतलब बुकिंग करवाता है, तो ड्रोन वाला जाता है, 3। आप चाहते हो कि नहीं हमारे को तो बहुत बड़ी भारी भरकम शादी करनी है, कोई भारी भरकम प्रोग्राम है, तो भाई साहब कि हमारे को 10 तो चाहिए आदमी, जैसे 10 आदमी मतलब 5 तो फोटो खींचने वाले और 5 ही वीडियो करने वाले, 10 हो गए आदमी, तो ऐसा भी ऑर्डर हो सकता है, बिल्कुल होगा। आपको तो हमें ऑर्डर देना है, हम लाएंगे आदमी की व्यवस्था हम करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, गुमसुम धरोहर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और स्टूडियो का भी चैनल है शिवम स्टूडियो बागोड़ा, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा नीचे, और वहाँ पर भी वीडियो अपलोडेड है बहुत सारे शादी के प्रोग्राम के, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, राम राम, नमस्कार।